दोस्तों आज हम बनाएंगे आंवले धनिया की चटनी। चटनी बनाने के लिए 250 ग्राम आंवला लिए हैं। आंवला को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिए हैं। आंवला धनिया की चटनी बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनती है दोस्तों। आंवला बहुत खट्टा होता है, इसलिए इसे खट्टापन को बैलेंस करने के लिए धनिया पत्ता डालते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। देखिए अब आंवला को काट लेंगे। काट कर इसका बीज अलग कर लेंगे, क्योंकि चटनी में हमें बीज नहीं चाहिए। बीज को अलग कर लेंगे। इसी तरीके से सारे आंवला को काट लेंगे। काट कर इसका बीज अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, आंवला को काट लिए हैं, इसका बीज को अलग कर लिए हैं। देखिए इस तरह से बीज अलग कर लेना है। तो चलिए दोस्तों चटनी पीसना शुरू करते हैं। आंवले की चटनी में डालने के लिए धनिया पत्ता लिए हैं दोस्तों। धनिया पत्ता को अच्छी तरह से 3 से 4 बार पानी से धो लिए हैं। धो कर इसे काट लिए हैं। 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक, 5 हरा मिर्च लिए हैं। हरा मिर्च आप जितना तीखा खाते हो उतना ही लें। धनिया पत्ता डालने से आंवले की चटनी का स्वाद बढ़ जाता है। देखिए चटनी पीसने के लिए बड़ा मिक्सर जार लिए हैं। इसमें कटा हुआ आंवला डाल देंगे, धनिया पत्ता को भी डाल देंगे। अब इसमें 5 हरा मिर्च डाल देंगे, अदरक लहसुन डाल देंगे, नमक स्वादानुसार डालेंगे। देखिए 2 चम्मच सरसों तेल को गर्म कर लिए हैं। सरसों तेल डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तेल को गर्म करके ही डालें। देखिए दोस्तों चटनी को पीस लिए हैं। चटनी को हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीसना है। जितना पानी की ज़रूरत हो उतना ही पानी डालें, ज़्यादा पानी ना डालें। एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे पीसें। आप देख सकते हैं दोस्तों चटनी अच्छी तरह से पीस गया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। आंवले और धनिया की चटनी बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनती है दोस्तों। ये हेल्दी तो होता ही है, साथ में टेस्टी भी होता है। तो आप भी बनाइए आंवले और धनिया की चटनी। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।